फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ये वेडनेसडे और शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरी मम्मी जो है काम से आ गई है, तो आज हमारे यहाँ पे जो है बाजार लगता है, बुधवार का बाजार। तो बाजार से जो है मम्मी जो है आज खाने का बहुत सारा सामान लेके आई है। तो आज घर पे लास्ट डे है गाइस, टेस्टी टेस्टी मोमोस और साथ में मम्मी और क्या लेके आई हो दिखाओ। तो सब यहाँ पे देखिए, अंडे के पकौड़े, साथ में ये आलू के पकौड़े और ये क्या है, बेसन का जो है चकुला, बेसन का सेव मोमोस हो गया क्योंकि ये हमारा फेवरेट मोमो था। कालीनगर में एक ही दुकान खुलता है, उसी का मोमो हमें पसंद है, बाकी हमें किसी का मोमो पसंद नहीं, इसलिए फटाफट सब फिनिश हो गया। चलो बढ़िया है। और ये पकौड़े नहीं खाओगे क्या? नहीं, पापा खाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी सुबह के बज रहे 6:30 और मैं उठ गई हूँ। कल मम्मी ने तेल लगा के दिया था रात को, तो थोड़ी सी चंपू लग रही हूँ मैं, लेकिन अच्छा लग रहा था मम्मी ने जब तेल मालिश करके दिया था, क्योंकि कल मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आज मैं जाऊंगी ससुराल गाइस, तो आज घर पे लास्ट डे है, 11-10 बजे तक मैं निकल जाऊंगी घर से। तो मैं जाऊंगी इसलिए मम्मी जो बहुत कुछ मुझे पैकिंग करके दे रही है जो दिल्ली में नहीं मिलता है। वैसे तो दिल्ली में सब कुछ मिलता है, बट वो सब्जी जो यहाँ पे मिलता है ना ताज़ा ताज़ा, वो दिल्ली में नहीं मिलता है ताज़ा ताज़ा। तो मम्मी सब कुछ मुझे रेडी करके दे रही है सब्जी। ये गाइस, ये कद्दू के जो साग है ना, ये साग हम लोग बहुत पसंद करते हैं और हमारे बंगाली में इसको ना मतलब फ्राई करके खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मम्मी इसको काट के फिर छाट बाट के केले के पत्ते में जो है बांध के दे रही है, ताकि ये साग जो है सूख ना जाए, तो अच्छा लग रहा है। और ये पुई साग है, तो इसे भी मम्मी पैकिंग करके देगी अच्छे से, ताकि ये भी ना सूखे। तो ये सब ना दिल्ली में मिल जाता है, बट ताज़ा नहीं मिलता है, वो हाँ 2-3 दिन का ऐसे ही स्टोर किया रहता है, वो बेचते हैं वही खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, लगा रहता है, ताज़ा ताज़ा है, तो ये खाने में भी टेस्टी लगता है गाइस। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए ससुराल, बट पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मम्मी पापा भैया भाभी सबसे कितनी दूर चली गई हूँ मैं, कब आऊंगी फिर पता नहीं। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा। मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, मैं उनके सामने रोना नहीं चाहती हूँ। मेरी मम्मी पापा और रोएंगे मुझे देख के। मैं पता नहीं वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं उनके सामने, मैं अपनी इमोशनल को छुपा नहीं पा रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को बट छुपा नहीं पा रही हूँ। रियान कुछ दिन से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि मम्मा मुझे नहीं जाना है, मामा के घर से नहीं जाना है, बट क्या करेगा, जाना तो पड़ेगा क्योंकि रियान का स्कूल भी खुल जाएगा कुछ दिन बाद और वहां पे कोई नहीं है खाना बनाने के लिए, मम्मी भी ऐसे बिस्तर में है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मायके में जो एक प्यार, जो इज्जत, जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। बुआ जा रही है दीदी, ये देखो दीदी मम्मा, बुआ जा रही है, आप मेरी मम्मी पापा का ख्याल रखोगे ना दीदी? ओ दीदी, तो ये देखिए गाइस मम्मी, मम्मी भी रो रही है बहुत। कंदना मा, कंदना, तो मम्मी को जाना पड़ेगा काम पे अभी, क्योंकि मम्मी के कंपनी में ऑडिट चल रहा है, तो इमरजेंसी है, काम जाना ही पड़ेगा। तो पापा गुस्सा कर रहे हैं मम्मी के ऊपर,
कि काम पे मत जा, मम्मी को छोड़ के भी जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा मम्मी को, मत रो मम्मी। तो ये देखिए गाइस, रियान भी सो के उठ गया है और रियान बोल रहा है मम्मा कल चलते हैं ना, मामा भी रो रहे हैं, नानी भी रो रही है, लेकिन बेटू कल जाए आज जाए बात तो बराबर है ना, जाना तो है ही हमें। नानी को चुप कराओ, नानी को बोलो ना नानी मत रो, हम आएंगे ना मिलने, फिर आएंगे, बोलो। चिराग को तुम और दिए ना कुछ ची? ना वो नेवे ना, नेवे ना वो, चलो करना करना ना माँ, नीचे छोड़ ले ध्यान दिखो, उस टाइम होता ना खावा। बाय कर दो पापा को, पापा काम पे जा रहे हैं ना, बाय कर दो। ये देखिए गाइस, तो धृति दौड़ के जा रही है उसके पापा के पास। कहाँ जा रहे हो? एदिके, एदिके, मम्मा टाटा दे दो दीदी, टाटा बाय बाय कर दो। धृति ने बाय कर दिया, धृति भी जा रही है ऑफिस है, धृति भी ऑफिस जा रही है। तो ये देखिए गाइस, हमारा सुबह का नाश्ता, तो ये घी वाली रोटी और यहाँ पे है परमल की सब्जी, करेले आलू की भुजी, तो इसी से करेंगे नाश्ता। और ये है गर्मा गर्म चाय। तो देखिए गाइस, पैकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, तो ये देखिए ट्रॉली बैग में बाहर लेके आ गई हूँ और रियान इसको घुमा रहा है बार बार। तो दो भाई बहन जो खेल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, धृति को पता चल गया तभी आज ऐसे कर रही है, उसके भैया को जाके बार बार किस कर रही है, वो मेरे पास आके बार बार स्माइल कर रही है। ना वो पैसे तुम्हें दिए ना, मामार कर देने ना था रख दे राख, ठीक है घर पे जाके अच्छे से प्यार करना, पढ़ाई करना, ठीक है बेटा, पढ़ाई करोगे ना, ठीक है इसको ले लो, ये ले लिया मैंने, पढ़ाई करोगे आप, डब्बा बनोगे ना, मम्मी की बात सुनोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से, पढ़ाई करोगे तो मैं मिलने आऊंगा, ठीक है, ठीक है। नहीं दादा तो चादर नहीं सामान तोड़ देगा, है ना धृति, अरे ना अरे दया लग बंदा शॉप पे आगे दिए जैसे दा ना ओ खाबे ना खाबे ना ले 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 ना बैग ना फोन देखो 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 है, आज जाके बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करना, शैतानी मत करना, ठीक है, और मम्मा जो बोलेगी वो सुनना, ठीक है, ठीक है।
झगड़ा देती कर तो गाइस हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर बस स्टैंड पे और रियान यहाँ से ले रहा है ड्यू दुकान से। भैया चिप्स भी दे दो, चिप्स कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो दे दिया। ये ब्लू कलर का पैकेट दे दो भैया, ब्लू बाय कर दो मामा को। मामा छोटो मामा रे अपना ख्याल रखना बेटा, मम्मी की बात सुनना, पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है मामा। जाओ ना, भगा दे मुझे। फिर अकेले हो जाओगे, मामा चले जाएंगे तो बोलोगे मामा कहाँ है। हाँ तो गाइस बैठ गए हम लोग बस में। ये देखिए भैया लोग छोड़ने आए थे। गाइस हम पहुंच गए हैं ढाबे पे, तो यहाँ पे रुके हैं, यहाँ से कुछ खाएंगे। रियान हेलो बोल। हेलो, तो ये देखिए गाइस हमने मंगाया है थाली। इसमें देखिए पनीर की सब्जी है, दाल मखनी है, साथ है ये मिक्स सब्जी और सलाद, इसमें है रोटी तंदूरी और चावल है। तो ये 150 रुपए का प्लेट है। तो हालत हो गया गाइस खराब, तो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं और आप सब भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने ढाबे में। तो देखिए कितना भीड़ है ढाबे में। सो गाइस हम पहुंच गए हैं दिल्ली आनंद विहार में और हस्बैंड जी मुझे लेने आ गए हैं। तो देखिए हस्बैंड जी आए, अभी ऑटो से हम लोग जाएंगे घर, तो चलते हैं घर। सो गाइस हम लोग आ गए घर पे। घर आने के बाद अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, 10 मिनट हो गया है घर आई हूँ। तो सारा सामान जो है रख दिया है और घर का हालत जो है बहुत ही खराब है। तो हस्बैंड जी ने एक दिन भी ऊपर वाले रूम पे झाड़ू नहीं लगाया है, तो अभी रूम साफ करना है, झाड़ू लगाना है और मैं भी अभी नहाऊंगी, रियान को भी नहलाऊंगी, क्योंकि बस पे ट्रैवल किया ना तो धूल मिट्टी पूरा बहुत बुरा हाल हो गया, इसलिए तो नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।